नई नवेली दुल्हन रेड साड़ी में करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं इस तरीके से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूं और मैंने शुगर का ये मॉइस्चराइज़र लगाया है और मैं इसे अच्छी तरह से पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई कर लूँगी और इसे मिला लूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर शुगर का प्राइमिंग बाम अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग देखेगा और मेरा मेकअप जो है मेकअप प्रोडक्ट्स से जो है ना मेरा स्किन भी सेफ रहेगा। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। फिर मैं शुगर का ही बीबी क्रीम का यूज़ करूँगी और इसे अच्छी तरह डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन से तो मैंने बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट किए हैं बट मैंने सोचा कि आज बीबी क्रीम से करती हूँ क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है और पूरे फेस पे मैं लगा लूँगी अच्छे तरीके से एंड फोरहेड पर भी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, थोड़ा थोड़ा सा डॉट डॉट करके आपको अप्लाई करना है। और मैं इसे अपने फिंगर से ही पहले ब्लेंड करूँगी। फिंगर से ब्लेंड करने के बाद जो भी एक्सेस प्रोडक्ट रहेगा तो फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लूँगी। और फिर मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मिल जाए अच्छे तरीके से और बिल्कुल इवन लुक आए। फिर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का, क्योंकि इसका कंसीलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई करना चाह रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि ले लूँ मैं उसे, बट ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है लगातार। और मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैंने शुगर का ही ये लूज़ पाउडर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा है गाइस और अफोर्डेबल भी है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है तो आप नहीं ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। एंड स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आई शेडो के लिए ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट लिया है शुगर कॉस्मेटिक का, और उसमें से जो रेड कलर है तो वो मैंने पिक किया है और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के आपको अप्लाई करना होता है, नहीं तो एक ही बार अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपका आई शेडो का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद मैं शुगर का जेली हाइलाइटर यूज़ कर सॉरी शुगर का जेली आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और जेली हाइलाइटर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं शुगर का ही ये पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ईजी होता है इससे एप्लीकेशन और बहुत ही अच्छा है। एक स्ट्रोक में इतना अच्छा ब्लैक कलर देता है ये। और उसके बाद मैं शुगर का ही ये काजल यूज़ कर रही हूँ जिसमें कि बहुत छोटे छोटे सिल्वर ग्लिटर्स हैं। लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है इससे। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर स्टिक का जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की ही है, और थोड़ा थोड़ा करना है इसे अप्लाई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, ये तो काम हो जाएगा आपका थोड़े से ही एप्लीकेशन से। और फिर मैं शुगर का ही ब्लश यूज़ करूँगी जो कि कोरल शेड में है। जैसे कि मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है तो कोरल शेड इस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा पिंक के कंपैरिजन में। और ये जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैसे रोड पे गाड़ियाँ जाती हैं और तो उसकी वजह से जो है ना वो आवाज़ आ रही है। फिर मैं शुगर का ही जेली हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ।
और फिर मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैट अटैक ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक, बट ये उतनी ज़्यादा रेड नहीं है, तो मैं इसे अप्लाई करने के बाद फिर जो शुगर का ही लिप क्रेयॉन है मैं उसे अप्लाई करूँगी, ताकि बिल्कुल रेड, बोल्ड रेड कलर का लुक आ जाए। और देखिए, लगाते लगाते मेरी लिपस्टिक टूट भी गई, पता नहीं कैसे। और ये मैंने इयररिंग्स पहन लिया है एंड नेक पीस भी पहन लिया मैंने। और फिर मैं सिंदूर अप्लाई करूँगी, सिंदूर अप्लाई करके फिर मैं मांग टीका लगाऊँगी। और फिर बिंदी एंड ये मैंने जूड़े में ये रोज़ लगाए हैं। और उसके बाद सारा मेकअप हो गया था, मुझे याद आया कि मैंने मस्कारा नहीं लगाया था। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड वीडियो को लाइक किए बिना भी मत जाना। बाय बाय।